आज हम ऐसा डोरमेट बनाएंगे। ये देखिए कितना सुंदर डोरमेट है और ये कितना बड़ा साइज है इसका। ये बहुत ही इजी है बनाना और बहुत ही सुंदर डिजाइन है और बहुत ही जल्दी समय में बन जाता है। तो ये हमारा ऊन का है, हमारे पास वेस्ट ऊन थी जो पुरानी स्वेटर की होली हुई जैसे वेस्ट ऊन थी, वह हम इसका डोरमेट बना दिए। ये देखिए ये ऊन है हमारी, इसको हम डबल करके इसका डोरमेट बना दिया। इसके बाद अब हम कपड़े का भी इसको बना सकते हैं, वेस्ट ऊन है तो आप वेस्ट ऊन से भी बना सकते हैं। तो देखिए अभी इसमें कैसे बनाया, इस वीडियो में हम आपको पूरा समझाएंगे। और ये बहुत ही इजी है बनाना और बहुत जल्दी ये बन जाता है। तो सबसे हम बनाएंगे कपड़े का, अब ये ऊन का है, अब दूसरा हम कपड़े का बना के आपको बताएंगे। तो ये देखिए ये कड़ी है, पूरी 12 कड़ी है। 12 कड़ी में जैसे शुरू में हम 1 कड़ी बताएंगे, वैसे ही सेम कड़ी ये 12 की 12 बनेंगे। लास्ट में हम इसको सुई से यहाँ से बंद कर देंगे। लास्ट फंदों को हम एक में एक डाल के इसको घटाया है और इस सुई से हम बनाया है। ये सुई है हमारी, इसको सड़ाई भी बोलते हैं, जो स्वेटर बनाते हैं उससे हमने ये बनाया है। तो ये ऊन का बनाया है, अब हम कपड़े का आपको बना के बताएंगे। तो ये हमारे जो वेस्ट कपड़े रहते हैं पुरानी, जैसे बनियान है, टी शर्ट है, उसका हम इसमें डोरमेट में यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी वाइट बनियान है, ये टी शर्ट है, 2 कलर इसमें, कोई भी कलर आपके पास है वो आप इसमें लेके यूज कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले ही हम इसमें इस सुई में फंदे डालेंगे। फंदे कैसे डालने हैं, जितने फंदे डालने हैं उतना धागा, जैसे अब इसमें 40 फंदे का बनाया, ये हमें 40 फंदे का ऊन का है, 40 फंदे का। आप कपड़े का बना रहे हैं तो आप इसमें 40 फंदे का भी बना सकते हैं, बहुत बड़ा बनेगा। और इसमें जैसे 32 फंदे का भी, 24 फंदे का भी, ऐसे डबल में जैसे 2-2 की जोड़ी हो वैसे डबल में आप इसमें जैसे 2-2 की जोड़ी रहेगी वहाँ पे 24, 32 ऐसे 20, 40 और छोटा करना है तो आप इसमें कम ले सकते हैं। आप इसमें जैसे ऐसे धागे को ऐसे लेके, ये कपड़े को ऐसे लेके, और फंदा डालना हमें आपको पहले भी बताया था, ये ऐसे रखना है और इसको ऐसे इसको लेके ये ऐसे खींचना है। अब हम इसमें 24 फंदे का बनाएंगे और ये हमारा 40 फंदे का है ये ऊन वाला, और ये हमारा 24 का है। छोटी कड़ी आपको बताएंगे, सेम वैसे ही बड़ी बनेगी, उसमें फंदे बढ़ाने हैं वैसे, और बनाने का तरीका एक ही है, जो छोटा बनाओ आप जो बड़ा बनाओ इसमें। अब हम इसमें 24 फंदे डालेंगे, ऐसे करके हम इसमें 24 फंदे डालते हैं। उसके बाद कैसे दूसरा कलर लगाएंगे वह हम इसमें आगे बताएंगे। ये देखिए ये हमने 24 फंदे डाल दिए। अब हम इसमें दूसरा कलर यहाँ से ज्वाइंट कर लेंगे, इसके हम ज्वाइंट कर लेंगे और फिर हम इसमें इसी कलर से जैसे ज्वाइंट करेंगे उस कलर से हम इसमें वे 9 फंदे बनाएंगे। ये ज्वाइंट कर लिया और इसको वाइट जो हमने फंदे डाले थे इसको हम छोड़ देंगे, और जो हम ये ज्वाइंट किया है इससे हम 9 फंदे बन लेंगे। ये हमारे 9 फंदे हो गए। अब हम इसमें इस कलर को हम छोड़ देंगे, इस कलर को हम इस साइड में करके छोड़ देंगे, और जो हमारा फंदे डाले थे यहाँ से इस कलर को हम लेके बाकी के फंदों को बुना लेंगे ऐसे। ये देखिए अब ये पूरे फंदे हम इसी कलर से बनाएंगे। उल्टा उल्टा बनना है, ये देखिए उल्टा हम बन रहे हैं, इसमें सीधा नहीं बनना, सिर्फ उल्टा ऐसे डालना है और उल्टा उल्टा बनना है। सीधी साइड में भी उल्टा बनना है और उल्टी साइड में भी उल्टा बनना है।
ये देखिए पूरा हम यहाँ से यहाँ तक बनेंगे, उसके बाद हम वापस आते समय इसको लेंगे और इसको छोड़ देंगे। फिर ये नौ फंदे हम इससे बनेंगे, दो फंदे हम लास्ट में दो फंदे छोड़ देंगे और फिर आते समय इसमें दो फंदे ले लेंगे। तो इसमें इस साइड में आते समय दो फंदे बढ़ाने हैं जैसे इस कलर के, और उस साइड में जाते समय दो फंदे घटाने। तो हम यहाँ से यहाँ तक पूरा बनते हैं। देखिए ये हम यहाँ से यहाँ तक पूरा इस कलर का बुन लिया। अब हम इसमें एक फंदा वैसे उतार लेंगे, शुरू का ऐसे उतारेंगे, और जो इस साइड में है इस धागे को हम आगे की साइड में ऐसे कर लेंगे, और फिर हम यहाँ से उल्टा उल्टा बुनना शुरू कर देंगे। ये ऐसे उतारा है और इसको ऐसे पलटी किया है, उसमें ऐसी डिजाइन आएगी। जो ये डिजाइन आ रही है इसमें पूरी जैसे ऐसी डिजाइन आएगी। तो इसके लिए हम एक फंदे को ऐसे उतारना है और उस साइड से इस साइड में वह धागे को लेना है, और फिर हम इसमें उल्टा उल्टा ऐसे ही बनेंगे, ऐसे उल्टा उल्टा ऐसे बनेंगे। यहाँ तक हम उल्टा उल्टा बनेंगे। ये कलर आएगा तब हम इस कलर को वाइट वाले को छोड़ देंगे और ये कलर ले लेंगे। तो हम यहाँ तक बनते हैं उल्टा उल्टा ऐसे ही। जब इसको उल्टा बुनना है ये देखिए ये कलर यहाँ से हम यहाँ तक बुना। अब हम इसमें वाइट वाला हम यहीं छोड़ देंगे, और ये कलर है ये वाइट वाले को हम इस साइड में कर देंगे। जब आते समय इस साइड में वाइट वाले से बनेंगे, और ये कलर है इससे हम शुरू कर देंगे। ये ऐसे उल्टा आपको पता ही है, ऐसे उल्टा डालना है ऊपर से ऐसे लेके, और ये निकालना है। अब इसमें हम सात फंदे, नौ फंदे हैं तो सात हम बन लेंगे और दो हम इसमें छोड़ देंगे। जैसे ये सात फंदे ऐसे बुनेंगे, ये सात फंदे बुन लिए और ये दो यहीं छोड़ दें। अब फिर हम इस साइड में पलटी कर लेंगे, और फिर इस साइड में पलटी करके और इस साइड से हम सात फंदों को बुनेंगे। ये सात पूरा होने के बाद अब दो फंदे हम इसमें से और लेंगे। वही उस साइड में दो छोड़े हैं, इस साइड में हम दो फंदे बढ़ा देंगे इस कलर के, फिर वही नौ फंदे हो गए। ये नौ फंदे चलते रहेंगे, इस साइड में दो हम छोड़ते रहेंगे, इस साइड में हम उल्टी साइड में आते समय हम दो फंदे बढ़ा लेंगे, सीधी साइड में हम दो फंदे छोड़ देंगे। अब हम इस कलर को उस साइड में कर देंगे, और ये वाइट वाला कलर है इससे हम बाकी के फंदों को बुन लेंगे ऐसे। यहाँ तक हम इसी कलर से बनेंगे, वापिस आते समय फिर यहाँ तक बन के लाएंगे इसी कलर से, वाइट कलर से। और ये आने के बाद फिर हम इस कलर को ले लेंगे और वाइट वाला छोड़ देंगे। फिर ये दो फंदे छोड़े, ऐसे दो फंदे हम छोड़ देंगे, सात फंदे हमारे रहेंगे। फिर यहाँ आने के बाद फिर दो फंदे हम लेंगे, और फिर हम इस साइड में दो फंदे छोड़े हैं, इस साइड में हम ले लेंगे, फिर बाकी का इसी कलर से बुनेंगे। फिर आते समय ये बाकी का इस कलर की बनेंगे, फिर इस कलर को ले लेंगे। तो ये कड़ी हमारी इस कलर की चलती रहेगी, और ये हमारी इस साइड में बढ़ते बढ़ते ये कलर ऐसे आएगा।
जैसे ये भड़े हैं और ये घटे हैं, तो एक कलर आगे जाएगा कड़ी की तरह। अब ये हम इसी फंदे जैसे ये खत्म होने के बाद फिर हम इसको एक फंदे को ऐसे उतारेंगे और इस कलर ऐसे ये आगे की तरफ ऐसे करेंगे और फिर ऐसे ही हम यहाँ तक उल्टा उल्टा बुनेंगे, यहाँ तक बनेंगे। ये देखिए यहाँ तक आ गया कलर। अब हम इसको इस साइड में करेंगे और ये हम इस साइड में किया था, इसको हम ऐसे ऐसे लेंगे और उल्टा बुनते चले जाएंगे। ऐसे सात फंदे, नौ हो गए थे, दो बढ़ाए थे इस साइड में, ये सात फंदे हम बन लेंगे और दो फंदे हम ऐसे छोड़ देंगे। ये देखिए दो हम पिछली बार छोड़े थे, दो हम अभी छोड़ दिया। फिर हम इसको इस साइड में करेंगे इस कलर को और फिर हम ऐसे पलटी करके और इस साइड से इसी कलर से हम बनाएंगे। ये सात फंदे बनाएंगे और दो फिर हम इसी कलर से वाइट वाला लेंगे। ये कड़ी ऐसे ही बनती हुई जाएगी। ये सात पूरे हुए, अब हम दो फंदे और लेंगे इसमें इस कलर से, एक और दो। ये दो लेने के बाद ये नौ फंदे हो गए। ये देखिए ये नौ फंदे हो गए, ये चार पीछे रहेंगे, दो बार छोड़े हैं और ये नौ फंदे हो गए। उल्टी साइड में नौ फंदे रहेंगे, सीधी साइड में आते समय हम दो छोड़ देंगे तो सात बचेंगे यहाँ तक। या देखिए अब हम इस कलर को इस साइड में कर देंगे और ये वाइट वाला कलर से हम बाकी के फंदे यहाँ तक बन लेंगे लास्ट तक। सीधी साइड में दो फंदे लेने हैं और उल्टी साइड में दो फंदे, जैसे उल्टी साइड में दो फंदे लेने हैं, जैसे उल्टी साइड में दो फंदे लेने हैं और सीधी साइड में हमें दो फंदे इस साइड में छोड़। ये देखिए ये सात फंदे बच गए, दो ये छोड़ दिए, ये छोड़ते रहेंगे। वहाँ से हम इस साइड में एक कलर घुमा देंगे और ये हम इसको भी कढ़ाई को भी पलटी कर लेंगे और ये हम अभी इसको ऐसे बनाते हुए जाएंगे उल्टा उल्टा। ये कलर ख़त्म हुआ है, अब हम इसमें उल्टी साइड में, ये उल्टी साइड है, इसमें हम दो इस कलर का इसमें इस कलर से दो फंदे इस साइड में बढ़ा लेंगे, ये वाइट वाले, और इसमें लेंगे हमें ये सात थे, ये नौ फंदे हो गए। अब हम इसको इस कलर को इस साइड में करेंगे और ये वाइट कलर है, इससे हम ये बाकी के फंदे बुनेंगे। ये बनने के बाद फिर हम ये डिजाइन एक बराबर आए, इसलिए हम इसको ऐसे उतार लेंगे और इसको ऐसे घुमाएंगे और फिर हम इसी कलर से जहाँ तक ये कलर है वहाँ तक हम इसको इसी कलर से बनाएंगे। यहाँ तक इसी कलर से बनाएंगे
इसको इस साइड में करेंगे और फिर ये हम इस साइड में किया था, इससे हम ये 9 फंदे बनेंगे, 7 बनेंगे, 2 हम छोड़ देंगे यहाँ। 9 फंदे हैं, ये देखिए ये हमारे 7 हो गए, ये 2 छूट जाएंगे। अब हम इस कलर को इस साइड में घुमाएंगे और हम सिलाई को भी, ये सुई को भी हम इस साइड में घुमा देंगे और ये कलर हम यहाँ तक ऐसे ही बुनेंगे और 2 फंदे हम इसमें ऐड कर लेंगे और फिर बाकी का हम इसमें बनाएंगे इस कलर से और इसको इस कलर को हम उस साइड में घुमा देंगे, ऐसे पलटी कर देंगे और इसको इससे बनेंगे। फिर ऐसे ही लाएंगे, इस साइड में 2 छोड़ देंगे, सीधी साइड में, उल्टी साइड में 2-2 यहाँ से बढ़ाते हुए जाएंगे। तो ये ख़त्म होने के बाद यहाँ तक करेंगे, इसके बाद ये देखिए ये लास्ट फंदे बच गए। अब हम इसको इस साइड में लेंगे इस कलर से, ये दूसरा कलर से लेंगे और ये वाइट कलर यही छूट जाएगा। अब हम इसी कलर से जो ये लिया है, इसी कलर से हम पूरा यहाँ तक सिलाई को निकालेंगे, पूरे को ऐसे ही बनाएंगे उल्टा उल्टा। ऐसे उल्टा उल्टा यहाँ तक बना लेंगे, पूरा को बनाना है और फिर वापिस आते समय 9 फंदों का इस कलर से बनाते हुए यहाँ छोड़ देंगे और इसको कट करके यहाँ से यहाँ ज्वाइंट करेंगे और फिर बाकी का वाइट कलर से बनेंगे, दूसरी कड़ी शुरू हो जाएगी। ये देखिए लास्ट हो गया, ऐसे पूरा को बना लिया। अब हम इसको ऐसे पलटे करेंगे और 9 फंदे हम इसी कलर से बनाएंगे। ये 9 फंदे बना दिए। अब हम इस कलर को इस साइड में कर देंगे और ये कलर यहाँ से हम कट करके और हम इस यहाँ ज्वाइंट करेंगे, यहाँ हम कट कर देंगे और इसको ऐसे यहाँ ज्वाइंट कर देंगे। ऐसे भी ज्वाइंट कर सकते हैं और ये है, ये वायर है, ये इसको हम यहाँ बांध के ऐसे भी ज्वाइंट कर सकते हैं। यहाँ बांध दिया, इसको हम इस साइड में करेंगे और इसका ये बाकी के फंदे बनाते हुए जाएंगे। तो ये हमारी दूसरी कड़ी शुरू हो जाएगी, जैसे ये व्हाइट वाली शुरू हुई है ऐसे ये दूसरी शुरू हो जाएगी। ये दूसरी शुरू हो गई और ये 9 फंदे हैं। अब इस साइड में आते समय हम 2 को छोड़ देंगे पीछे और 7 फंदे इसी कलर से हम बनाते हुए आएंगे। यहाँ आने के बाद हम 2 फंदे इस कलर से ले लेंगे और बाकी का वाइट कलर से बनेंगे। फिर वापिस आते समय सीधी साइड में, सीधी साइड में हमने 2 छोड़ने हैं और उल्टी साइड में हमने 2 इस साइड से बढ़ाने हैं। यही है इस कड़ी में, लास्ट तक ऐसे ही बनाने, जैसे ये पहली कड़ी बनाई है ऐसी सभी कड़ी बनेंगी। अब सभी ये वाइट कलर स्टार्ट हो गया, अब हम इसमें ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे।
यहाँ से यहाँ तक बढ़ने के बाद वापिस यहाँ तक आएंगे। यहाँ आने के बाद फिर सात फंदे हम इस कलर से बनेंगे और फिर दो छोड़ देंगे। फिर वापिस ऐसे घुमा के सुई को फिर सात फंदे ये बनेंगे और दो कलर इस वाइट कलर का दो और इस साइड में लेंगे तो नौ फंदे हो जाएंगे। तो उल्टी साइड में हमारे नौ फंदे रहेंगे और सीधी साइड में दो छोड़ देंगे सात फंदे रहेंगे। तो ये आप ध्यान रखना है, बस उल्टी साइड में इस साइड से लेना है और सीधी साइड में हमें इस साइड से छोड़ने हैं पीछे साइड। तो ये कड़ी ऐसे बनती ही जाएगी, सभी कड़ी ऐसे ही बनेंगी। तो ये हमारा डोरमेट सभी कड़ी ऐसे ही बना के 12 कली बनेंगे और फिर ये पूरा हो जाएगा। लास्ट में इसे सुई से बंद कर देंगे। इसको आप कहीं भी टेबल पे डोरमेट के भी यूज कर सकते हैं, आपकी गोल टेबल है उस पर भी आप डाल सकते हैं। और ये कपड़े का बना रहे हैं तो आप डोरमेट्स में यूज करेंगे और ऊन का बना रहे हैं तो आप टेबल पर भी डाल सकते हैं। तो ये ऐसे बनेगा। ये देखिए यहाँ तक वाइट बनेंगे, फिर इससे बनेंगे। ये हमारी दूसरी कड़ी शुरू हो गई। आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सभी कड़ी ऐसे ही बनाएंगे।